हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नथिंग फ़ोन वन एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप अपने ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है उस डेटा को आपको पहले सामने स्क्रीन पर लेकर आना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने अपने फ़ोन की गैलरी को ओपन कर लिया है। अब देखिए, इसमें जो है ये एक फ़ोटो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से उंगली से दबा के रखा है तो फोटो सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको सेंड का ये ऑप्शन होता है, सेंड पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से पेज आएगा। अब इसमें आपको है ना ब्लूटूथ का ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, जब आपको डेटा ट्रांसफर करना है ब्लूटूथ से, तो जिस पर्सन के डिवाइस में आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं उस पर्सन का जो है ब्लूटूथ का डिवाइस पहले से चालू रखना है, ठीक है। तो देखिए, अब आपको ये ब्लूटूथ का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अब यहां पे ऑलवेज या फिर जस्ट वन पे आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर जो है ना आपको सामने वाले पर्सन का जो डिवाइस का नाम होगा वो आपको यहां पे दिखाई दे जाएगा, ठीक है। देखिए, जो भी सामने वाले पर्सन का डिवाइस का नाम है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो उसे टैप कर लेना है, ठीक है। तो आपका जो है ना इस तरीके से यहाँ पर जो है ना ये ब्लूटूथ का जो है शेयरिंग होने लग जाती है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेंड हो रही है हमारी डेटा, ठीक है ना, जो कि मैंने फोटो सेलेक्ट किया था। देखिए, ये जो ब्लूटूथ के सामने जो 0% अभी दिखाई दे रहा है ना, जैसे ये 100% कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये डेटा जो है पूरी तरीके से सेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये कुछ ही सेकेंड्स में जो है ये अपना डेटा जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है अपना डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी ब्लूटूथ के जरिए। देखिए, यहाँ पर जो है ये कुछ ही सेकंड्स में 100% ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो अपने ब्लूटूथ के जरिए डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है।